हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय चैनल फूड एंड ट्रैवल टॉटर्स। तो रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में एक और चटपटी सी रेसिपी लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। आज हम बनाएंगे चटपटा मसाला चना। तो देखते हैं क्या लगेगी चीज़ें। इसके लिए हमें चना चाहिए 250 ग्राम बॉईल किया हुआ, आलू चार उबले हुए क्यूब्स में कटे हुए छोटे, 4 से 5 खजूर का पल्प, एक बड़ा टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, 1/4 कप इमली का पल्प, 1/2 कप हरा धनिया कटा हुआ चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक, करी पत्ता 20 से 25, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून हींग एंड राई का, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हरी मिर्च 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा चटपटा मसाला चना। एक ग्राइंडर जार में हम डालेंगे सबसे पहले टमाटर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा खजूर का पल्प जो 4 से 5 खजूर हमने पानी में सोख की थी, इमली का पानी 1/4 कप जो हमने लिया था वो, और इन सारी चीज़ों से एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा चटपटा मसाला चना। तो डालेंगे सबसे पहले एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल, ऑयल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा, अब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता, कड़ी पत्ते के बाद इसमें जाएंगी हमारी हरी मिर्च, 2 टुकड़ों में काट कर डालें आप इसको, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले, बस कुछ सेकंड्स के लिए ही कुक करना है हमको इसको बिल्कुल इसी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे हींग एंड राई, इनको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जाएगा इसमें हमारा लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाल के फौरन इसको मिक्स कर लें, ध्यान रखें कि जलने ना पाए, फ्लेम को थोड़ा लो रखना है हमको, और इसमें फौरन ही डालना है हमारा जो इमली खजूर और टमाटर का पेस्ट है, ताकि हमारी लाल मिर्च जलने ना पाए, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे हम। मसाले का बॉईल आने पर हमको इसको कुक करना है 4 से 5 मिनटों के लिए कवर करके। तो 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हमारा मसाला चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ही अच्छे से खुशबू आ रही है इसकी और कुक हो गया है ये। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर और हमारा नमक, अच्छे से मिक्स कर दें इसको। अब हम डालेंगे इसमें हमारा बॉईल किया हुआ आलू क्यूब्स में काट कर, छोटे क्यूब्स काट दे, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दे, बस 1 से 2 मिनट कुक करना है हमको। अब हम डालेंगे इसमें चने बॉईल किए हुए हमारे, जो चने का पानी है उसके साथ डाल दे, क्योंकि हमको थोड़ी ग्रेवी लगेगी इसको पकाने के लिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दे। जैसे ही चने का बॉईल आने लगे इसको हम कवर करके कुक करेंगे 8 से 10 मिनटों के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से चना पक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा हरा धनिया, आधी क्वांटिटी डालनी है हमें, और इसको मिक्स करना है, और अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ। तैयार है बनकर हमारा चटपटा चना मसाला। स्प्रिंकल कीजिए आप इस पर बचा हुआ हरा धनिया, बस अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कीजिए और एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार बनता है, बिल्कुल ही चटपटा है। खजूर की वजह से हल्का सा मीठापन है इसमें, इमली इसको खट्टापन देती है। अगर आपको और खट्टा पसंद है तो आप इस पे नींबू भी डालकर खा सकते हैं। आपको इसकी अगर स्पाइसनेस कम करनी है तो आप हरी मिर्च का पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए आपका चटपटा मसाला चना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।